नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की G20 अध्यक्षता विश्व में देश के शक्ति प्रदर्शन का अनूठा अवसर। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनने का प्रयास करना चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में श्वेत क्रांति के लिए भारत से सहयोग मांगा। और फुटबॉल में ब्राजील और क्रोएशिया फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्र सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की मांग करेगा। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिन के सत्र में 17 बैठकें होंगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सत्र के दौरान विधायी कार्यों पर सकारात्मक वाद विवाद और चर्चा होने की आशा व्यक्त की। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। संसद सदस्य और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रवक्ता इसमें भाग लेंगे और सत्र में चर्चा के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों के संबंध में जानकारी देंगे। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम FM रेनबो चैनल पर और संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम FM गोल्ड इंद्रप्रस्थ और AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनलों पर रात 9:30 बजे से रात 10 बजे तक सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल हुई सर्वदलीय बैठक में भारत की G20 अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में देश भर के प्रमुख राजनेताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता का संबंध पूरे देश से है और ये संपूर्ण विश्व में भारत की शक्ति के प्रदर्शन का अनूठा अवसर है। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत की G20 अध्यक्षता के संबंध में अपने विचार साझा किए। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ मिलकर डिजिटल सार्वजनिक ढांचे को बढ़ावा देगा ताकि वित्तीय समावेशन और सेवा आपूर्ति को बेहतर किया जा सके। डिजिटल इकोनॉमी, वी फोकस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एवरीवन, क्रिएटिंग बैंक अकाउंट्स व्हिच हैज इनेबल्ड अस टू लिफ्ट वास्ट सेगमेंट्स ऑफ आवर पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वी क्रिएटेड अ वास्ट नंबर ऑफ पब्लिक गुड्स एंड देयरफॉर पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी व्हिच इज टू आवर माइंड विल बी वेरी क्रिटिकल इन डिजिटल इकोनॉमी ऑफ टुमारो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कल नई दिल्ली में मोटा अनाज अच्छा पोषक आहार विषय पर संगोष्ठी और मोटा अनाज पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक को संबोधित किया। श्री गोयल ने कहा कि इससे अगले वर्ष मनाए जाने वाले मोटा अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की तैयारी में मदद मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने के लिए भारत के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और 70 से अधिक देशों ने इसका अनुमोदन किया है। Let's all work together in mainstreaming the millet story. Let's all work together to take this product global and make it a globally acceptable high protein produce to solve the problems of malnutrition and starvation that many parts of the world continue to face. Let's take this opportunity to make India, which already produces 20% of the global production at 3 odd million tons, let's become the global capital of millet and make this a staple food also within the country and across the world. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने पर बधाई दी है।
दोनों संस्थाओं ने नागपुर में एक ही खंभे पर हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल का सबसे बड़ा डबल डेकर पुल निर्मित करके ये उपलब्धि हासिल की। श्री गडकरी ने ट्वीट संदेश में कहा कि इस परियोजना ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं और एशिया बुक तथा इंडिया बुक में जगह बनाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे ओहेजालिन लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल 64% से अधिक मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक रहा। मतों की गिनती बृहस्पतिवार को होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात के मतदाताओं ने अपनी नई सरकार का फैसला कर दिया है और आम जनता के साथ साथ राजनीतिक पंडित और उम्मीदवारों के लिए भी अब आज और कल का दिन बेसब्री के साथ कटेगा। कल मतदान के बाद सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा कर दी गई हैं और उनकी कड़ी सुरक्षा की जा रही है। गुरुवार को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। गुजरात चुनाव में पिछली बार से कम मतदान जरूर हुआ है, लेकिन इस चरण में भी ग्रामीण और जनजातीय इलाकों ने शहरी इलाकों से आगे बढ़ चढ़ कर मतदान किया। साबरकांठा और बनासकांठा जैसे जिलों में 70% से अधिक मतदान रहा, तो वहीं अपेक्षाकृत शहरी क्षेत्र अहमदाबाद में मतदान सबसे कम रहा। मानस प्रतिम शर्मा के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का मतदान भी कल संपन्न हुआ। मैनपुरी सीट पर लगभग 52% और रामपुर विधानसभा सीट पर 31.22%, जबकि खतौली में 54.5% से अधिक मतदान हुआ। बिहार के कुढ़नी में 53% वोट डाले गए। अधिकतर एग्जिट पोल यानी मतदान बाद सर्वेक्षण में गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत का अनुमान लगाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। विभिन्न समाचार चैनलों के एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में भाजपा को 117 से 151 के बीच सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 30 से 51 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 से 21 सीट मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनाव के लिए मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। जनादेश 2022। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश 2022 आकाशवाणी के साथ बृहस्पतिवार 8 दिसंबर को। ताज़ा चुनाव परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 10 बजे से। विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में चुनाव परिणामों पर एक नज़र शाम 7:10 से 7:20 तक। स्पॉटलाइट में राउंडअप ऑफ इलेक्शन रिजल्ट रात 9:15 से 9:30 तक। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण रात 9:30 से 10 बजे तक। चुनाव नतीजों की हर खबर के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और राजधानी चैनल तथा राष्ट्रीय नेटवर्क से। चुनाव नतीजे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गणमान्य व्यक्ति और सांसद नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। देश भर से आए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी मुंबई में दादर की चैत्य भूमि में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए हैं। मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। इस वर्ष अधिकतम संख्या में लोगों के चैत्य भूमि और डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े दूसरे संस्थानों पर पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
मुंबई में चैत्य भूमि पर देश भर से आए हुए अनुयायी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आज महापरिनिर्वाण दिवस पर अभिवादन कर रहे हैं। पिछले दो सालों से कोरोना महामारी के कारण चैत्य भूमि तथा अन्य स्थानों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके कारण लोगों को इन स्थानों पर आने में कठिनाइयां आ रही थी, लेकिन इस साल सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाने के कारण ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और न केवल आज सुबह से बल्कि दो दिन पहले से ही चैत्य भूमि पर आकर लंबी कतारों में खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं। आज सुबह महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता जयंत पाटिल ने चैत्यभूमि आकर बाबा साहेब को अभिवादन किया। इस मौके पर बीएमसी ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रेरणादायी कार्यों और महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों पर एक पुस्तिका कल प्रकाशित की। ये पुस्तिका डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसकी ई कॉपी बीएमसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। शैलजा तिवले के साथ शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्वेत क्रांति के लिए भारत से सहयोग मांगा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अमूल दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लिए श्रीलंका में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। श्री विक्रमसिंघे ने एक समिति का गठन किया है जो स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी। एक रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक होने के नाते भारत की विशेषज्ञता की काफी मांग है। हालांकि श्रीलंका ने अपने पिछले प्रयासों से दूध उत्पादन 2015 से 2021 के बीच 34% तक बढ़ाया है, पर इससे आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर पाया। इस वजह से $300 मिलियन से अधिक मूल्य के दूध उत्पाद का आयात किया जाता है। इस वर्ष आर्थिक संकट के बीच दूध उत्पाद सहित कई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। कल की एनडीडीबी अधिकारियों से बैठक के साथ श्रीलंका ने दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। आकाशवाणी समाचार के लिए अहमद मुइन फारूकी, कोलंबो से। और अब फीफा फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। ब्राजील और क्रोएशिया विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। देर रात ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। खिताब की प्रबल दावेदार ब्राजील ने शानदार खेल दिखाते हुए पहले ही हाफ में 4 गोल कर दिए। विनीशियस जूनियर, नेमार, रिचार्लिसन और लुकस पकेटा ने एक के बाद एक गोल की झड़ी लगा दी। इससे पहले क्रोएशिया ने इस विश्व कप के पहले पेनल्टी में जापान को 3-1 से पराजित किया। अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें 1-1 गोल कर बराबरी पर थीं। ग्रुप चरण में जर्मनी और स्पेन को मात देकर बड़े उलटफेर करने वाली जापान और जीत के बीच क्रोएशिया के गोलकीपर डोमिनिक लिकाओविच पेनल्टी में दीवार बनकर खड़े हो गए और 3 गोल बचाए। अब शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन ब्राजील का सामना 2018 की उपविजेता क्रोएशिया से होगा। अंतिम 16 में आज रात 8:30 बजे स्पेन का सामना मोरक्को से और 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद मुकेश। भारत की G20 अध्यक्षता पर सर्वदलीय बैठक की खबर सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, G20 की अध्यक्षता भारत की क्षमता दिखाने का मौका। हरी भूमि की सुर्खी है, G20 के रास्ते भारत के विश्व गुरु की परिकल्पना को आकार देंगे पीएम मोदी। मतदान बाद सर्वेक्षण पर हिन्दुस्तान ने संकेत शीर्षक से लिखा है, गुजरात में 7वीं बार भाजपा। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दिल्ली में झाड़ू, गुजरात में कमल, हिमाचल साफ नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार, गुजरात में भाजपा 7वें आसमान पर, आपका खाता खुला। राजस्थान पत्रिका लिखता है, गुजरात चुनाव संपन्न, 2017 के मुकाबले 10% वोटिंग ने बढ़ा दी दलों की उलझने। दैनिक भास्कर ने भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में मिशन 2024 पर चर्चा पर शीर्षक दिया है, चुनावी मोड में भाजपा, जल्द बदल सकती है दिल्ली समेत आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, जबरन धर्मांतरण संविधान विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर भारतीय को भारत की संस्कृति के अनुसार ही चलना होगा। अमर उजाला के अनुसार, दान का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए नहीं। जनसत्ता की सुर्खी है, महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत। हरिभूमि का शीर्षक है, राष्ट्रपति ने नौसेना के नए ध्वज और डिजाइन को दी मंजूरी, अनावरण नौसेना दिवस पर विशाखापट्टनम में किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की G20 अध्यक्षता विश्व में देश की शक्ति प्रदर्शन का अनूठा अवसर। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनने का प्रयास करना चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में श्वेत क्रांति के लिए भारत से सहयोग मांगा। और फुटबॉल में
ब्राजील और क्रोशिया फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।